मीडिया की सुर्खियों में चल रहे महर्षि दयानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल के पीड़ित छात्र और उसके परिजन अपनी गुहार लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने एक शिकायती पत्र के माध्यम से अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को निराधार बताया। पीड़ित छात्र के परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए कहा कि स्कूल के प्रधानाचार्य अमित गौतम अपने एक सहयोगी मित्र रविकांत तोमर के साथ रविवार को उनसे मिलने पहुंचे, जहां स्कूल प्रबंधक द्वारा पीड़ित छात्र के परिजनों को राजीनामा के नाम पर 50,000 रुपए का लालच दिया गया और साथ ही कहा गया कि आपको मीडिया के खिलाफ बयान देना है। देखिए क्या कुछ कहना था पीड़ित छात्र के परिजनों का। मेरा नाम लोकेंद्र है, मैं रहने वाला छठीग्रह का। मेरे बच्चे के साथ जो भी हुआ गलत हुआ है, जो TC काट दिए वो किया है मास्टर ने, और ये महर्षि गौतम सेकेंडरी स्कूल में अल्लापुर के पास में, अल्लापुर में बोलता है ये। तो TC क्यों काटी आपको? TC कोई शिकायत भी नहीं आई हमारे पास में, शिकायत आती तो हमको पता लगता है, कोई शिकायत भी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। TC काट दी, उसके बाद भी बेटे ने मेरे को बताया पापा ऐसे ऐसे बात है, मेरी TC काट दी है। पूछा तो उल्टा और गाली गलौज सभी काम कर रहा है, और इसको भी मारपीट किया है। मैंने 30 काट दी, मारपीट का क्या मतलब है इसका? मारपीट भी की है और क्या? किस तरीके से मारते हैं? मारता डंडी से मारता है कभी, मेरा तो लपड़ मारे 5-7 इसमें। अच्छा, आपके सामने भी मारे और क्या? आपके साथ भी कोई बच्ची नहीं होगा? हाँ, गाली गलौज भी दे रहा था। ये बोला क्यों गाली गलौज दे रहे हो? उल्टा भी वो कर रहा है, तेरे को उठवा दूंगा, सब काम करवा, घर से उठवा लूंगा तेरे को, वो कर दूंगा। कौन है स्कूल के प्रबंधक और प्रिंसिपल? अमित गौतम। अब क्या कार्रवाई कर रहे हो आप? हम क्या कार्रवाई कर रहे हैं? हमारी TC काटी है, जो हमारी साल खराब हो रही बच्चों की, वो हम तो ये सोच रहे हैं कि हमारे बच्चे की साल खराब नहीं हो, ये काम हमारा हो जाए, हम और कुछ नहीं कार्रवाई करना चाह रहे हैं हम तो। ये तो अभी कहाँ पर आए हो आप? अभी यहीं पर आए थे अधिकारी के पास, में मिले नहीं है CO साहब के पास। CO साहब और SSP के साहब? अब आप कार्रवाई नहीं चाह रहे तो फिर क्यों आए हो? इसीलिए कार्रवाई दे रहे हैं उनको, एप्लीकेशन वगैरह दे रहे हैं, ये लिखा हुआ है, कार्रवाई भी दिखा रहे हैं उनको, सब काम कर रहे हैं, लेकिन वो चीज करना चाह रहे हैं। जो मीडिया का आरोप लगाया चौथ वसूली का, वो सही है आरोप? गलत है आरोप, मीडिया पे जो लगाया है वो गलत लगाया है। वो हमको भी कल परसों कल आया हमारे पास में, 5:30 बजे करीब आया, हमसे ही कह रहा है तुम तो मीडिया के खिलाफ गवाही गलत दो, तुम हमको तुमको 50,000 रुपया उल्टा और देगा हमको। कौन कौन आए थे आपके पास? वो रविकांत और अमित गौतम दो जने थे। तो आपसे मीडिया के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बोला था? हाँ जी, मैं उल्टी गवाही दो हमको। आपने क्या बोला उनको? नहीं, हम नहीं कर पाएंगे। कहाँ पर आए थे? छठी ग्राफ साहब, हम खेती का काम करते, खेती का काम कर रहे थे, किसान आदमी है। और भी कुछ कह के गए आपने? नहीं, ये कह के थे, वो निकल गए थे। और आपके लिए, आपके बेटे के लिए कुछ नहीं है? ये अच्छा नहीं होगा आगे के लिए, देख लेना, ये अच्छा नहीं होगा हमारा, हमको अच्छा नहीं होगा। अगर आप मीडिया के खिलाफ गवाही नहीं दोगे तो ये बोला था उन्होंने।